नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं दतोरा में और यहाँ पर एक सांप होने की जानकारी मिली है। पता चला है कि यहाँ पर आते जाते ग्रामीणों को एक सांप डेली दिखाई देता था, तो हमें यहाँ जानकारी मिली। हम यहाँ पहुँच चुके हैं और आइए रेस्क्यू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए और दोस्तों, हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीकांत विश्वकर्मा स्नेक सेवर। तो निकालते हैं सांप को और लेके चलते पर्यावरण की ओर। वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। गुल्हाड़ी लेके आओ ना यार, वो काटना पड़ेगा। गुल्हाड़ी लेके आओ, अरे कुछ नहीं होता, तुम पहले तो कुल्हाड़ी से कटवाओ उसको काका। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर पूरा गांव के व्यक्ति इस सांप से परेशान थे, क्योंकि जब भी खेत में जाने के लिए यहाँ से जब गुजरते थे तो यहाँ पर इन्हें सांप दिखाई देता था। उससे परेशान होकर सभी ने हमें यहाँ पर बुलाया है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं और सांप को निकालते हैं और देखते हैं कौन सा सांप है। सांप बहुत बड़ा बताया जा रहा है और काले कलर का सांप बताया जा रहा है दोस्तों, तो देखते हैं कौन सा सांप है। तिकडे पाया ना, तिकडे पडून ना, तुम्ही तिकडे ध्यान ठेवू करो। इधर खड़े रहना ना, इधर खड़े रहना, पहले इधर पहुंच जाएंगे, इधर रहना पड़ना है। वो उधर से बांधने लगा देने तो उधर से पानी उधर चले जाएंगे, वो पाइप के पास से। हाँ, तो एक हो लान वाला दोस्तों। यहाँ पर एक
रेस्क्यू किया है, जो कि हमने यहाँ पर बहुत मेहनत करी, यहाँ पर खंडा है उसके बाद भी सांप नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पर एक घामन सांप का रेस्क्यू हुआ है, मगर यहाँ सबका कहना है कि सांप काले कलर का है और आप देख सकते हो एक पीले कलर की घामन है जो पीछे से पीली है और आगे से हल्का ब्लैक डार्क और इसके अंदर पीली पीली पट्टियाँ होती है। दोस्तों आप देख सकते हो बिन बिसला सांप है, इसके बाइट करने पर किसी प्रकार से इंसान की मृत्यु नहीं होती, मगर अगर इतना बड़ा सांप कोई देख ले, अगर ये किसी को बाइट कर ले तो इंसान दोस्तों दहशत में ही मर जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप सांपों से दूरी बनाए रखिए। तो देख सकते हो आप एक बिग साइज का रेट स्नेक जिसे घोड़ा पछाड़ के नाम से भी जाना जाता है और इसका रेस्क्यू कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरे सांप होने की जानकारी मिली है, ये सांप नहीं है बोले तो इसको रखते हैं, पैक करते हैं और देखते हैं दोस्तों अगर और कोई सांप निकल जाए। शायद कोबरा सांप की जानकारी यहाँ बताई जा रही है। सांप बताओ उधर कहीं नहीं जाएगा वाला, पूछ में जहर रहता बोलती है नामन में, इसकी पूछ में जहर नहीं रहता है, काटा नहीं किसी प्रकार से इसको काटा जहर होगा कुछ भी नहीं पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो अंधविश्वास है सभी ग्रामीणों के बीच में, सभी पूरे भारत देश के अंदर में यही अंधविश्वास है कि इसके पूछ में जहर होता है, काटा होता है। यहाँ पर ये लोग भी हमसे यही क्वेश्चन कर रहा है। दोस्तों हम बता देते हैं कि इसमें ये बिन बिसला सांप है, इसमें किसी प्रकार से जहर या पूछ के अंदर कोई काटा ये कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ अंधविश्वास है। और सांपों से दूरी बनाए रखिए क्योंकि दोस्तों सांप जहरीले भी होते हैं और बिना जहरीले भी होते हैं, जिसकी जानकारी आम व्यक्ति को नहीं होती। इसलिए आप बिल्कुल दूरी बनाए रखिए और जब भी सांप आपको दिखाई दे अपने आसपास के सर्प मित्र को बुलाकर रेस्क्यू करवाइए। तो देख सकते हो यहाँ पर एक बिग साइज का धामन सांप जिसका रेस्क्यू कर चुके हैं और इसे पैक कर लिया दोस्तों। और सांप और होने की जानकारी है जो कि एक ब्लैक कलर का कोबरा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत समय हो चुका है जो कि हमें दिखाई नहीं दिया है, फिर भी प्रयास करते हैं निकालने का उसको। नहीं सांप दूध नहीं पीता है, सांप अगर दूध पिएगा तो मर जाएगा। और देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है, चलते हैं। नाम बाबू जी आपका? मेरा नाम है नत्थोजी धोटे। अच्छा कहाँ का रहना? नत्थोरा। क्या घटना थी यहाँ की? यहाँ पे सांप निकला सुबह। अच्छा काला सांप था। हाँ जब उसे देखा तो विश्वकर्मा जी को बुलाया। जी जी उन्होंने यहाँ आकर उसको निकाला। अच्छा तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरे सांप को भी ढूंढने का प्रयास किया। अच्छा, डेली डेली नहीं दिखाई दे रहा था बोले यहाँ। हम चलते हैं दोस्तों, हमारा कार्य अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत। भय बना रहता था आपको, अभी कैसा लग रहा है आपको सांप पकड़ लिया तो? अभी ठीक लग रहा है। अच्छा अच्छा।